हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप मंडे से यानी कि आने वाले वीक में अगर वो लेवल क्रॉस करते हैं तो उसमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड अच्छी रैली आ सकती है। चार में से दो बाइंग वाले स्टॉक रहेंगे और दो सेलिंग वाले स्टॉक रहेंगे, यानी कि चार स्टॉक का स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। और उसके अलावा इंडेक्स में निफ्टी का और निफ्टी बैंक का मैं आपके लिए लेवल लेके आया हूँ, जो आपको वो ध्यान में रखना है। आने वाले वीक में वो बहुत अहम है, हो सकते हैं वो लेवल। तो अभी अपने पहले कल का वीडियो अगर किसी ने देखा नहीं तो जाके देख सकते हो। अपने हर सैटरडे को वीकली चार्ट के ऊपर मल्टीबैगर स्टॉक लेके आते हैं। अगर आप सोच रहे हो पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक लेना चाहते हो, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, आपके पास मतलब फुल टाइम जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे स्टॉक लेके रख सकते हो। इसमें रिस्क होता है वो 10 से 15% होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया स्टॉक रहेंगे। उसमें रोज आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अलग अलग स्ट्रेटेजी भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख सकते हो। यहाँ पे भी अपने लाइव मार्केट में भी ट्रेड देते रहते हैं। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक का व्यू देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले वीक में आपको वो लेवल ध्यान में रखने हैं। तो उसमें पहले अपने निफ्टी 50 का व्यू देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में आपको करना क्या है, लास्ट वीक भी आपको बोला था कि सेल ऑन राइज है, इस बार भी सेल ऑन राइज है। तो गाइज, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट सेल ऑन राइज होता है तो आपको ऐसे टाइप पे बाय करने का ट्राई नहीं करना। आप जितना भी बॉटम पे बाय करने का ट्राई करोगे छोटे छोटे स्टॉप लॉस से, तो भी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको इसमें भी अपनी भी सेल ऑन राइज वाला सेटअप ही दूंगा, और वो लेवल आएगा तभी अपने बेचेंगे, अदरवाइज निफ्टी में अभी कुछ नहीं करेंगे। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि नीचे सपोर्ट है हल्का सा तो वहां पे बाय कर लेता हूँ। अगर आप बाय करके गए पोजिशनली और दूसरे दिन समझो कि गैप डाउन ओपन हो गया 200-300 पॉइंट का, तो बहुत भारी करके में आपको लॉस भी आ सकता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अभी बाय करने वाला मार्केट नहीं है, जितना हो सके सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। तो यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50 का मैंने क्या ओपन करके रखा है, निफ्टी 50 का यानी कि स्पॉट प्राइस है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, निफ्टी 50 को सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंट, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर गई थी और फाइनली उसका सपोर्ट यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ब्रेकडाउन कैंडल बोल सकते हो। उसके बाद निफ्टी बैक टू बैक नीचे गिर रही है, फ्राइडे को हल्का सा ऊपर आने का ट्राई किया। अभी एसजेड निफ्टी तो इंडिकेट कर रही है कि नीचे निफ्टी खोलेगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे समझो निफ्टी नीचे भी खोलेगी तो भी आने वाले 2-4 दिन में भी अगर आपको मौका मिलता है कि निफ्टी ये रेंज में आती है, उसका एक क्या हो जाएगा, पहले जो सपोर्ट का रेंज था वो अभी रिजेक्शन का काम करेगा। जब तक निफ्टी इसके ये रेंज के ऊपर कंटिन्यूअस डेली चार्ट के ऊपर क्लोज नहीं देगी, तब तक आपको रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलेगा और निफ्टी में गिरावट ही आ सकती है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी रिजेक्शन एरिया कौन सा है, 17,250 से लग के 17,355 का। तो ये 100 पॉइंट का जो भी आपको गैप दिख रहा है रेंज, वो क्या है, सेलिंग जोन है। तो आपको क्या करना है, अगर निफ्टी यानी कि आने वाले वीक में समझो कि ये रेंज में आती है हल्का सा भी 17,250 आती है, तो वहां पे आपको क्या करना है, निफ्टी को हल्का सा ऊपर जाएगी तो 17,260 के आसपास आपको निफ्टी को बेचने का ट्राई करना है, और आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर 5-10 पॉइंट लगाना है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,360 का। टारगेट रहेगा वो 17,000-16,900 का, नीचे की साइड टारगेट 1 से 7 दिन में निफ्टी दिखा सकती है। तो आपका सेलिंग रेंज कौन सा हो जाएगा, 17,260 का आपका निफ्टी को बेचने का रेंज हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको देखना है कि आप किस तरह बेचते हो। आप क्या कर सकते हो, 17,400 का कॉल भी बेच सकते हो, जब ये रेंज में आती है निफ्टी यहाँ से यहाँ पे आती है तो 17,400 का कॉल भी बेच सकते हो, 17,300 का पुट भी बाय कर सकते हो, या तो फिर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो तो वो भी कर सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मैंने सिर्फ लेवल दे दिया कि आपको ये लेवल ध्यान में रखना है, ये सेलिंग लेवल है निफ्टी में। तो ये निफ्टी का व्यू हो गया क्लियर कट, आपको कुछ नहीं करना, सेल ऑन राइज वाला सेटअप है। जब तक निफ्टी 17,360 के ऊपर क्लोज नहीं देगी डेली, तब तक निफ्टी में गिरावट आएगी। अगर दे दिया तो फिर से यहाँ से ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है, अच्छी रैली यानी कि रिजेक्शन तो नड़ेगा ही, तो भी 17,700-800 का लेवल दिखा सकती है निफ्टी। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो अपना पहला व्यू हो गया निफ्टी में। अभी मैं आपको निफ्टी बैंक में व्यू बताऊंगा।
तो निफ्टी बैंक में भी क्लियर कट सेम चार्ट है, जैसे निफ्टी का चार्ट है वैसा सेम टू सेम चार्ट है। यहाँ पे अपने डेली चार्ट में निफ्टी बैंक का अपने एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट रेंज थी, उसका सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गई लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आके नीचे आ गया। तो ये अभी क्या हो जाएगा, निफ्टी बैंक का रिजेक्शन एरिया हो जाएगा, वहां से निफ्टी बैंक में गिरावट आ सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ से एक दो दिन में ऊपर की साइड आता है निफ्टी बैंक तो यहाँ पे आपको बेचना है, और वहां से नीचे की साइड गिरावट आ सकती है। तो अभी निफ्टी बैंक अभी सीएमपी कितना है, 39,600 के आसपास है। तो आपको क्या करना है, निफ्टी बैंक को ऊपर जाने देना है, 39,750 पे बेचना है, 39,950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट 39,200, 38,700 का टारगेट 1 से 7 दिन में निफ्टी बैंक दिखा सकती है। तो इसको भी आपको क्या करना है, बेचने का ट्राई करना है, बाय करने का ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट बहुत वीक है तो जितना भी बाय करोगे स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अपने इंडेक्स का व्यू हो गया। अभी मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले वीक में आपको ध्यान में रखने हैं, और वो लेवल पे अगर मिलते हैं तो बाय और सेल कर सकते हो। तो पहले स्टॉक का नाम रहेगा TWL। TWL को आपको क्या करना है, बाय करना है। बाय करने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अपने क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है TWL, रेसिस्टम बिकम सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो TWL क्या कर रहा था, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया। यानी कि आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलते हो। जैसे ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो ये क्या हो जाता है, डिमांड जोन का काम करता है, और सेम ऐसा ही हुआ। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक में गिरावट आई लेकिन यहाँ से बाउंस बैक किया, क्योंकि ये पूरा डिमांड जोन है। तो यहाँ से देखोगे तो फिर से स्टॉक में नीचे की साइड गिरावट आ रही है। अभी एसजेक निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि नीचे गिर सकता है 100-150 पॉइंट कल। तो अगर ये स्टॉक सीधा गैप डाउन में ओपन होता है नीचे की साइड तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे बाइंग का मौका होगा। नीचे से आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन का यहाँ से सपोर्ट जा रहा है, और यहाँ से अगर ये स्टॉक गिरता है तो उसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा। आपको बोला ये जब भी ट्रेंड लाइन होती है वो डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है तो वो एरिया को क्या बोल सकते हो आप, रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हो। वहां से स्टॉक के बाउंस बैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्टॉक ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखा सकता है। तो अभी सीएमपी कितना, 238.75 है। तो आपको अभी नहीं बेचना है, स्टॉक को गिनने देना है, 235 पे आपको सॉरी बाय करना है, 235 पे बाय करना है, 230 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा वो 245 से 260 का, 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया जो आपको क्या करना है, गिरावट पे बाय करना है। रिवर्सल पॉइंट अपने हर वीडियो में बताते रहते हैं, इसको आप रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन और ट्रेंड लाइन दोनों का सपोर्ट मिलेगा, तो इसको रिवर्सल पॉइंट आप बोल सकते हो। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया जो आपको बाय करना है, लेकिन लेवल पे बाय करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मैच हो पाएगा। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जो आप मंडे को बाय करना है। तो स्टॉक का नाम रहेगा जाइडस लाइफ साइंस। जाइडस लाइफ साइंस को आपको बाय करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ साइंस, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, यानी कि ऊपर से डाउन ट्रेंड लाइन आ रही थी, नीचे से देखोगे तो क्या आ रही थी, यहाँ से अप ट्रेंड लाइन आ रही थी और ये सपोर्ट आ रहा था, और उसका एक कैंडल ने देखोगे तो अच्छे से ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज दिया है, और अभी आप इसको बोल सकते हो रिटेस कैंडल, क्योंकि यहाँ पे टच किया तो आप इसको रिटेस कैंडल बोल सकते हो। और अभी जैसे रिटेस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो स्टॉक में फिर से ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है, अभी सीएमपी कितना है, 477 है। तो आपको इस स्टॉक को बाय करना है, 487 के ऊपर बाय करना है, 474 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 510 से 530 का रहेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये जो कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर स्टॉक पहले नीचे गिर जाता है तो वो अपना क्या हो जाएगा, इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। आपको हर वीडियो में मैंने बोला ही है कि अगर इनवैलिड सेटअप हो जाता है, यानी कि स्टॉप लॉस लेवल के नीचे पहले स्टॉक आ जाता है तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाता है, फिर वो स्टॉक को पूरे वीक के लिए इग्नोर करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कॉल एक्टिव के लिए पहले 487 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, टारगेट 510 से 530 का, 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो अपना दूसरा स्टॉक हो गया जाइडस लाइफ साइंस, जो आपको क्या करना है, बाय करना है, लेकिन कंडीशनल बाइंग करनी है। अगर 487 का लेवल पहले क्रॉस करेगा तभी बाय करेंगे, अदरवाइज नीचे गिरेगा स्टॉप लॉस लेवल के नीचे तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो अपना दूसरा स्टॉक हो गया। अभी मैं आपको दो सेलिंग वाले स्टॉक बताऊंगा।
तो मैंने आपको दो बाइंग वाले स्टॉक बताए, अभी दो सेलिंग वाले स्टॉक बताऊंगा। तो ये स्टॉक का नाम आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है ल्यूपिन, सेल ऑन राइज विथ एडीएक्स है। तो सेल ऑन राइज विथ एडीएक्स क्या होता है, जब भी एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होती है और विलियम सर की वैल्यू -20 आती है, तो वो क्या होता है, स्टॉक का लास्ट स्विंग होता है, यानी कि स्टॉक क्या से रिवर्स मार के नीचे आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ईडीएक्स क्या बता रहा है, नीचे की साइड स्टॉक मोमेंटम में रह सकता है और इसका वैल्यू -20 यानी कि सेल ऑन राइज है, मैक्सिमम स्टॉक यहाँ तक की जा सकता है और यहाँ से नीचे की साइड गिरावट आ सकती है। लेकिन अपने क्या करेंगे, एक कैंडल पे देखो इसकी वैल्यू -20 आई थी, तो ये डिसीजन कैंडल है, उसका लो जब भी ब्रेक करेगा तभी ये सेटअप एक्टिव होगा और उसके बाद जो रिसेंट हाई मारा है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि स्टॉक को एक्टिव होने के लिए जो ये ग्रीन कैंडल आपको जो दिख रही है थर्सडे को बनाई थी, उसका लो ब्रेक करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कॉल एक्टिव होगा, स्टॉक नीचे की साइड जाएगा। तो लिपिंग का भी सीएमपी 657 है, तो आपको अभी नहीं बेचना, 653 के नीचे बेचना है, 669 का आपका रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा वो 640 से 620 का नीचे की साइड टारगेट रहेगा, 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। अगर लेकिन स्टॉप लॉस के ये लेवल के ऊपर पहले चला गया तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। कॉल एक्टिव के लिए पहले नीचे की साइड स्टॉक जाना चाहिए, तभी अपना कॉल एक्टिव होगा। तो ये अपना तीसरा स्टॉक है जो आपको ल्यूपिन को बेचना है, सेल ऑन राइज वाला सेटअप है। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसको आपको बेचने का ट्राई करना है, स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। इसको आपको बेचने का ट्राई करना है, 2 घंटे की कैंडल के ऊपर अपने क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम देख सकते हो एस्ट्रल, स्टॉक का नाम है, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा था स्टॉक, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, उसका सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया और ये भी क्या करेगा, रिजेक्शन का काम करेगा और स्टॉक ने ऐसा ही किया, देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया और वहां से रिजेक्ट करके नीचे आ गया। तो आपको करना क्या, अभी सीएमपी 1337 के आसपास है, 37 के आसपास, तो सेल ऑन राइज 1345 पे स्टॉक को आपको बेचना है, 1360 का ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की साइड 1320 से 1300 का टारगेट 1 से 7 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को आपको ऊपर जाने देना है, 1345 पे बेचना है। तो गाइज मैंने आपको चार स्टॉक बताए, चारों स्टॉक में 2 बाइंग वाले हैं, एक TWL को गिरावट पे बाय करना है, जायडेस लाइफ साइंस को कंडीशनल बाइंग करना है, ल्यूपिन को क्या करना है, कंडीशनल सेलिंग करना है और एस्ट्रल को ऊपर जाएगा तभी बेचना है। तो चारों स्टॉक बहुत अच्छे है और आपको निफ्टी बैंक का भी व्यू दिया है कि 39,750 के बेचना है और निफ्टी 50 को भी सेल ऑन राइज करना है, ऊपर जाए तभी बेचना है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी कमेंट करके पूछना है तो पूछ सकते हो गाइज, अदरवाइज टेलीग्राम पे भी कुछ भी करिए तो वहां पे भी पूछ सकते हो भाई। थैंक यू वेरी मच गाइज, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।